अगर आए होंगे तो बालचंद्र पाटिल साहब देखिए, विजय सेठ मात्रे देखिए बात करेंगे, अमदर ट्रॉफी के आयोजक सोमनाथ दादा मात्रे भी देखिए आए हैं निश्चित रूप से, बहुत सारे दुसरे आदरणीय मान्यवर अपन भाई मस्कर जे आमचे रायगढ़ समालोचक असोसिएशन चे कमेंटेटर आहेत त्यांचा आपण स्वागत इथे पाहणार आहोत। भाई मस्कर देखिए बात करेंगे, नारपोली हमेशा देखिए उनकी टीम को शुभकामनाओं का रहता है। चलेंगे यहाँ पर गेम ऑन देखिए हो चुका है, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग लिए देखिए बीच मात्रे जो गेंदबाजी कर रहे हैं, बड़ा बिग्स उनके माध्यम से समाप्त हुआ अमदर ट्रॉफी अशोक दादा सालूम के देखिए उनके माध्यम से। अभी देखिए आ रहे हैं भजन क्रिकेट क्लब देवी चाबाड़ा अविनाश सिंह मात्रे सुजय लीजिए पूरी देखिए, प्रकाश दादा मात्रे लीजिए, अरुण दादा मात्रे लीजिए, जो कोई आए होंगे देखिए बहुत सारे देखिए देवी चाबाड़ा के यहाँ पर अतिथि मान्य पर आए हैं, सभी से गुजारिश करना चाहूँगा आइए तस्वीर रखें। चलेंगे यहाँ पर पहली सत्र करिए, हमारे साथ देखिए हमारे अच्छे दोस्त रुपेश जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया निश्चित रूप से, बड़े लंबे दिनों के बाद मुलाकात हुई और एनर्जी भी आपने बढ़ाई हमारे निश्चित रूप से, तो चलूंगा पहले सत्र के आपकी तरफ। धन्यवाद बाबू शाह सर, एकंदरीत अपन बोलतो मैदानाकडे जिथे सामना चालू है चिखले विरुद्ध देवीचा पाडा दरम्यान, नाणेफेकीचा कौल खऱ्या अर्थाने जिंकला देवीचा पाडा संघाने आणि त्यानंतर निवडलं क्षेत्ररक्षण आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते चिखले संघाला। चिखले संघ फलंदाजी करता वेळेस तब्बल पारितोषिकांची बरसात, 5000 रुपयाचं पारितोषिक लागोपाठच्या 3 षटकारांसाठी माननीय श्री भूषण शेठ पाटील उद्योगपती आणि माननीय श्री रवींद्रजी गडकरी उपसरपंच चिखले यांच्या माध्यमातून तब्बल 5000 पारितोषिक मात्र दिलं जाईल या खेळाडूंना। उपसभापती चषक 2023 हे शानदार पर्व, 1-2 नवे तर तब्बल 8-9 वर्ष भरवण्यात येणार ही स्पर्धा मात्र आपल्या भेटीला या वर्षी देखील तितक्याच थाटात आणि माटात येताना आपल्याला पाहायला मिळते। पुढचा चेंडू गोलंदाज विजय म्हात्रेचा, यावेळचा चेंडू दोन क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे धावतील, चेंडूची पकड केली, चेंडूची फेकी होईपर्यंत 2 धावा सहजरित्या पूर्ण झाल्यात, एकंदरीत धावपळकावर धावा मात्र लागल्यात। पहिल्या सत्रात फलंदाजी करताना पहिलं षटक कार्यरत असताना 6 नेक्स्ट डिलिव्हरी, यावेळचा चेंडू फलंदाज प्रशांत पाटीलच्या फलीतून आलेला हा बंधन करणारा चौकार, माननीय श्री वसंतदादा काटावले उपसभापती चषक त्यांच्या नावाने भरवण्यात येणारी ही दिमागदार स्पर्धा। यावेळचा चेंडू काय घडलं या चेंडूवर, व्हाइट प्लस 4 पुक्कापुक्कीच्या 5 धावा मात्र मिळतील टीम चिखलेला। आपण जर रुपेश विचार केला प्रशांत पाटील खेळतो स्ट्राइकला, रायगडचा एक दिग्गज खेळाडू म्हणून त्याची ओळख आहे, आज इंजर्ड आहे, म्हणजे काल आपण पाहिलं प्रवीण भोईर जसा इंजर्ड होता तसा आज हाही इंजर्ड आहे, परंतु गावासाठी खेळायचं आहे, मग तिथं आपलं दुखणं आणि दुखण्याचे गाराणे सांगायचे नाही या एक मताना मात्र इथे खेळत असताना। तो चलिए बाबू से मात्रे आए तो उनसे गुजारिश करना चाहेंगे, देखिए जो महेंद्र मात्रे खेल रहे हैं मैदान पर हम देख सकते हैं बाहुबली देवी चावड़ा के उनके बंधु देखिए अमदर ट्रॉफी में देखिए बहुत बड़ा देखिए आयोजक की भूमिका, बाबू सेठ मात्रे उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे तस्वीर रखिए। यहाँ पर हमारे सनी पाटिल भी आए हैं, संतोष पाटिल साहब देखिए आए हैं, देवी चावड़ा कहा जाए तो लगभग देखिए 60% गाँव यहाँ पर मैच देखने के लिए आए हैं और हमारे त्रिमूर्ति देखिए 3 बंधु यहाँ से देखिए बात करेंगे, प्रमोद दादा पाटिल संजय पाटिल अक्षय दादा देखिए बात करेंगे, बेहतर सिंगर इनकी सॉन्ग आपने सुने, रुपेश सर देखिए अच्छे खिलाड़ी भी हो निश्चित रूप से। चलेंगे पहले ऊपर हुआ यहाँ पर शुरुआत देखिए बात करेंगे कैसे हुई यहाँ पर। थैंक यू बाबू सर, और चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करना होगा, ध्यान रखना होगा, अंपायर देखिए इस मैच में शायद थे डिनर के लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो अंपायरिंग के काम कर रहे हैं और रुकेश काटोली सर देखिए उनके साथ सुजीत पाड़ी से देखिए बात करेंगे,
और बहुत बड़ी देखिए यहाँ पर कल भी इस टूर्नामेंट में तस्वीर रखे थे और शुभकामना देखिए बात करेंगे यहाँ पर से राजीव क्वार्टर सप्लाइज के देखिए बात करेंगे खानोले के समीर मुजावर सर देखिए बात करेंगे अच्छे हमारे दोस्त हैं। जब भी मैं इस इलाके में आता हूँ निश्चित रूप से रुपेश जी आपके जैसे बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं और उनकी तरफ से देखिए शुभकामना था वहाँ समीर मुजावर सर देखिए बात करेंगे राजीव वाटर के देखिए सप्लायर से धन्यवाद डीजे यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ निश्चित रूप से बढ़ाने के लिए। पहला ओवर में देखिए अच्छा खासा यहाँ पर रन आ चुका है टॉस आने के तक देखिए बेनिफिट फायदा यहाँ पर मिलता हुआ लेकिन दिखते हैं ये मुकाबला कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोनों टीम बेहतर टीम है और रुपेश जी क्रिकेट में कोई भी टीम को हम छोटा नहीं मान सकते हैं जिसका दिन वक्त बेहतर हो वो हर मुश्किल को देखिए आसान बना लेते हैं और अच्छी अच्छी टीम देखिए अगर उनके पास दिन वक्त बेहतर ना हो वो भी मुश्किल में आ जाते हैं। ओके धन्यवाद। यस पहिला षटकाचा खेळ इथे समाप्त झाला। पहिला षटकात आल्या 15 धावा बिनबाद 15 धावा ही जमेची बाजू असेल चिखले टीमची प्रथम सत्रात फलंदाजी करताना। आता मात्र दुसरे षटक हाताळण्यासाठी देवीच्या पाडा संघाच्या कर्णधाराने चेंडू मात्र सोपवला तो गोलंदाज हर्षद पाटीलच्या हातामध्ये। चिखले संघ पहिल्या सत्रात खेळतोय पहिल्या राउंड मध्ये खेळतोय आणि पहिल्या राउंड मधून जर फायनल मध्ये डायरेक्ट प्रवेश त्याने केला तर त्यांना गोवा ट्रिप भूषण शेठ पाटील आणि रवींद्र गडकरी साहेब यांच्या माध्यमातून देणार आहे। तब्बल 5000 पारितोषिक देखील लावलं 3 षटकांसाठी मान्यवरांनी मात्र बक्षिसांची खैरात केली आहे। तशा पद्धतीची फलंदाजी आता मात्र करावी लागेल फलंदाज प्रशांत पाटील आणि त्याचा साथीदार किरण पाटील या दोन फलंदाजांना। बरेचसा काल या दोन खेळाडूंनी आपल्या चिखले गावासाठी घालवला आहे क्रिकेट क्षेत्रामध्ये आपलं बहुमूल्य योगदान या खेळाडूंनी मात्र बऱ्याचशा मैदानावर दिले। प्रशांत पाटीलनं आपलं नाव रायगड टेनिस क्रिकेटवर उंचावलं आणि तो खेळाडू आज आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतोय। ऑन स्ट्राइक किरण पाटीलनी लागवलेला हा चेंडू एकेरी धाव जरूर मिळेल अगदी शांत पद्धतीने क्रिकेट खेळलं जातंय। पहिल्या षटकात आला होता 15 धावा आणि आता मात्र दुसरं षटक कार्यरत आहे ते हर्षद पाटीलचं 16 धावा आतापर्यंत धावपलकावर लागल्यात अजूनही एकी गडी बाद झाला नाहीये। 4 षटकांचा हा सामना आहे आणि 4 षटकात मिनिमम 40 ते 45 धावा उभारण्याचा मनसुबा मात्र घेऊन हे खेळाडू मैदानात खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतात। नेक्स्ट डिलिव्हरी यावेळचा चेंडू आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतील तत्पूर्वी एक धाव आणि थोडस फंबलिंग क्षेत्ररक्षण दुसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न इथून मात्र 2 धावा चोरून काढल्या प्रशांत पाटील उर्फ पिंट्या या खेळाडूने आणि या 2 धावेच्या मतीनं 18 धावा धावपलकावर लागतील। उपसभापती चषक 2023 चे शानदार पर्व कालची पहिली रजनी आणि कालच्या पहिल्या रजनी खऱ्या अर्थानं गाजवली तिसरी दत्त भातान संघानं आणि त्याच नंतरची आजची दुसरी रजनी। दुसऱ्या रजनीमध्ये आमच्या भेटीला आहेत तुमच्या आमच्या भेटीला बाबू शहा सर हिंदीचा एक बुलंद आवाज आणि शेरो शायरीचे बादशाह आणि तुमचे आमचे सर्वांचे लाडके रोशन सकपाल सर। यावेळी मात्र दर्जेदार उडाया चेंडू जातो सीमा पार प्रशांत पाटील ब्रँडेड षटकार जिजाऊ कॉम बॉक्स मध्ये मात्र आमची चर्चा HSC ची परीक्षा चालू आहे आणि जे विद्यार्थी 12वीची परीक्षा आहे त्यांनी कृपया घरी जा अभ्यास करा पण आमच्या कॉम बॉक्स मध्ये दोन्ही 12वी प्लेयर बसलेत ते दोन्ही 12वी प्लेयर HSC ची परीक्षा देतात आणि HSC परीक्षा आता मात्र चालू आहे। अशा खेळाडूंना किती छंद किती आवड असली तरी आपल्या पालकांनी आणि आपल्या पाठीराख्या खेळाडूंनी त्यांना घरी बसण्यास विनंती करा आणि कॅप्टन वर पूर्ण ठोपरा राहील रिझल्टच्या नंतर त्याची दक्षता मात्र त्यांनी घ्यावी। चला थोडासा मजेचा भाग जाऊया पुन्हा एकदा मैदानामध्ये
या वेळचा हलक्या हाताने फक्त कट केला, एकेरी धाव, शांत क्रिकेट, मैदानात टिकून राहायचंय, पिंट्याने ठरवलंय शेवटच्या षटकापर्यंत आपल्याला खेळ करायचा आणि आपल्याला दिमाखाने खेळायचंय, तरच या धावसंख्येचा डोंगर मात्र आपल्याला रचता येईल। आणि त्याच दरम्यान एक खुश खबर आहे मित्रांनो, आपल्यासाठी एक मोठी खुश खबर आहे, शिवसंघर्ष मित्र मंडळ पुरस्कृत कोण, शिवसेना अर्थात संपर्क सरपंच चषक 2023 एप्रिल 1, 2, 3, 4, 2023 तारीख आहे एप्रिल 1, 2, 3, 4, 2023 नाईट क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे। सरपंच दीपकजी म्हात्रे कोण ग्राम पंचायतीचे सरपंच, ज्याचं प्रथम पारितोषिक असणार आहे 1,00,000 रुपये, द्वितीय पारितोषिक असणार आहे 50,000 रुपये, तृतीय पारितोषिक असणार आहे 25,000 रुपये, चतुर्थ पारितोषिक असणार आहे 25,000 रुपये। मालिकावीरासाठी मोटरसायकल, टू व्हीलर, बाईक आहे। उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज यांच्यासाठी स्पोर्ट्स सायकल आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक यांच्यासाठी कूलर असणार आहे। मोठी स्पर्धा, जरूर या स्पर्धेला भेट द्या। आपण जर नामांकन केलं नसेल तर जरूर आयोजकांना कॉल करून आपल्याला तिथे नावनोंदणी करा। धन्यवाद। धन्यवाद रोशन सर। बाबूशाह सर, आपण पाहतोय दोन षटकांचा खेळ इथे संपुष्टात आला आणि दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पहिल्या षटकात आला होता तब्बल 15 धावा आणि तदनंतरच्या षटकामध्ये एक षटकार बसून देखील खर्च केला गोलंदाज हर्षद पाटील ने 10 धावा, एकंदरीत 25 धावा धावपलकावर लागल्या दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर। सलामीची जोडी अजूनही तह धरून मैदानात सज्ज आहे। आतापर्यंत आपण पाहिलं दोन चौकार आणि एक षटकाराच्या सहाय्यानं प्रशांत पाटील ला खेळी केली आणि आता मात्र किरण पाटील देखील एक धावेचं योगदान देऊन मैदानात सज्ज आहे। ऑन स्ट्राइक पुन्हा खेळेल प्रशांत पाटील, चिखलेचा हा स्टार खेळाडू उर्फ पिंट्या। विकास पाटील पहिला चेंडू निर्धाव टाकतोय, जेवढे निर्धाव चेंडू जातील तेवढे ह्या शॉर्ट टाइम क्रिकेट मध्ये धावांना लगाम लावल्याचं काम करतात आणि प्रथम सत्रात गोलंदाजी करताना धावा वाचवणं हे एम मात्र आहे देवीचा पाडा संघाचं। गावदेवी इलेवन देवीचा पाडा लागोपाठचा दुसरा चेंडू देखील निर्धाव टाकला या गोलंदाजानं। विकास पाडेल, विकास पाडेल त्याचं नाव आहे। गावदेवी इलेवन देवीचा पाडा विरुद्ध चिखले असा हा सामना मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय। उपसभापती चषक माननीय श्री वसंतदादा काटावले, मनमिलाऊ स्वभाव आणि गरिबांच्या गळ्यातील ताईत म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं ते तुमच्या आमच्या सर्वांचे लाडके वसंतजी काटावले साहेब यांच्या नावानं गेली अनेक वर्ष ही स्पर्धा आयोजित केली जाते आणि या स्पर्धेचा शान वाढवणारा दर्जेदार षटकार आपण पाहतोय प्रशांत पाटील उर्फ पिंट्याच्या बोलीतून। रोशन सर, आपण अनेक गावांच्या स्पर्धा पाहतो परंतु मोठ्या मोठ्या दिग्गज स्पर्धा भरवल्या जातात त्यांचे पारितोषिक जास्त असतात, ट्रॉफ्या मोठ्या असतात, खर्च अपट केलं जातो, रॉयल एंट्री आणि अनेक काय केलं जातं, पण भारतामध्ये ते कमी पाहायला मिळेल जरूर पण ते टिकवलंय जास्त काल। आपण पाहिली सीएम ट्रॉफी, ती स्पर्धा देखील गेली 15 वर्ष भरवली जाते आणि ही स्पर्धा देखील गेली 8 वर्ष भरवली जाते। कोणतंही कार्य सुरू कर मोठं करणं सुरू करणं सोपं असतं पण ते टिकवणं अगदी कठीण असतं, परंतु ते भातान गावामध्ये अनेक वर्ष गेले आपण टिकताना पाहायला मिळाले। आणि प्रशांत याची याचा झेल मात्र पॉइंट आणि कव्हरला सोडला गेला, हा एक मातब्बर खेळाडू आहे देवीचा पाडा टीमच्या कडून नक्कीच एक सुखी झालेली आहे। तिसरा अंपायर स्कोर 31 31 रन 33 धावा धावपलकावर लागल्यात। तीस धावा आणि तदनंतरचा अजून एक दर्जेदार षटकार।
हाई स्कोर साठी बाय आहे, पाच संघ आहेत, दहाचा लॉट्स असल्या कारणाने ज्या संघाच्या पहिल्या फळीमध्ये जास्ती धावा असतील त्या संघाला मात्र बाय दिली जाईल। प्रशांत पाटील याचा सोडलेला झेल आणि त्यांनी केलेला आक्रमण मात्र आता अंगलट येतोय देवीच्या पाड्याच्या खेळाडूंच्या। धावपळकावर लागल्यात, अजूनही एकी गडी बाद झाला नाही। सलामीच्या जोडीने धुव्वाधार फलंदाजी केली आहे। एकंदरीत प्रशांत पाटील ना तब्बल आतापर्यंत 37 धावांचे योगदान, 37 धावांचं मोठं योगदान प्रशांत पाटील ने दिलंय। देवीचा बड़ा टीम बाबूशा उनकी गाव से है तो शायद थोड़ा सा चिंता में है, जरूर यहाँ पे हम देखेंगे बाबू शाह को, क्योंकि प्रशांत पाटिल को जो जीवन दान दिया था ना देवीचा बड़ा टीम के खिलाड़ियों ने, और उसके बाद उसने जो तूफानी बल्लेबाजी की है उसकी बदौलत 43 रनों तक पहुंचा है बल्लेबाजी करते हुए देवीचा बड़ा टीम। और अच्छी कोशिश यहाँ पे, तीन ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन, अभी अंतिम एक ओवर शेष है। प्रशांत जैसा विस्फोटक बल्लेबाज, हरदम कहता हूँ इस बल्लेबाज को, जब जब मैं देखता हूँ तब तक उसका बल्ला जब बोलता है तो रनों की बौछार हो जाती है, तो देखेंगे क्या होता है अंतिम ओवर में। यस यस बाबू सर, तालुका हाफ मध्ये तो चांगली फलंदाजी, आपण पनवेल प्रीमियर लीग मध्ये देखील त्याला, रायगड प्रीमियर लीग मध्ये देखील त्याला पाहिलं, अशा दिग्गज स्पर्धांमध्ये त्याने आपल्या नावाची छाप सोडली असं प्रशांत पाटीलने या स्पर्धेला आता मात्र गाजून ठेवलंय। तब्बल 37 धावा आतापर्यंत त्यानं आपल्या फलीतून काढलेत आणि आता शेवटचं षटक आहे, हाणामारीच्या षटकामध्ये अजून किती धावा जमावेल प्रशांत पाटील आणि त्याचा साथी फलंदाज किरण पाटील। यावेळचा चेंडू पंच रुकेश काटावले यांचा इशारा स्वर चेंडूचा आणि या स्वरच्या सहाय्यानं 44 धावा आतापर्यंत लागले टीम चिखलेच्या अकाउंट मध्ये। अगदी कमी चेंडू फेस करायला मिळालेत किरण पाटीलला आणि आता या शेवटच्या स्लॉगवरच्या षटकामध्ये तो फेस करतोय हा चेंडू। यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षक एल लॉंगऑफचा चेंडू खाली आणि चेंडूची फेकी होईपर्यंत एकेरी धाव मात्र घेतली आहे किरण पाटीलनं। 45 धावा आतापर्यंत धावपळकावर लागल्यात, पुन्हा एकदा एक विस्फोटक फलंदाज प्रशांत पाटील मात्र ऑन स्ट्राईक घेतोय। भरपूर अपेक्षा चिखलेच्या पाठीराख्यांना प्रशांत पाटील कडून असतात आणि त्या अपेक्षांना सार्थ उतरताना पाहायला मिळाला। यावेळचा चेंडू मोठा फटका मारण्याच्या नादात बॅटची इनर एज खालची भाग घेऊन चेंडू मात्र दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, दोन धावा सहजरित्या पूर्ण केल्यात प्रशांत पाटीलनं आणि या दोन धावेच्या मदतीनं दुसरी धाव पंचांनी मात्र हेरलंय आणि आमच्या तिसऱ्या पंचांकडे ती कामगिरी सोपवली आहे। चेक केलं जाईल फलंदाज बाद आहे की धावजीतच्या स्वरूपात। चेक केलं जातंय आमच्या कम्प्युटर सिस्टीमच्या माध्यमातून आणि लगेचच आपल्याला रिझल्ट दिला जाईल। शेवटच्या षटकापर्यंत ही जोडी मात्र मैदानात अगदी तह धरून बसली, डोकेदुखी मात्र झाली ती देवीच्या पाडाची ही जोडीनं। प्रशांत पाटीलनं अक्षरशः हाहाकार माजवला आणि धावांच्या उच्चांकापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न मात्र त्याचा राहिलाय। नॉट आउट, नॉट आउट घोषित केलंय अगदी सहजरित्या आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये मात्र खेळाडू पोहोचले, दोन धावा पूर्ण केल्या गेल्या आणि 47 धावा आपल्या स्कोर बोर्डवर राईट केल्या जातात त्या टीम चिखलेच्या। पहिल्या फेरीतील हा सामना आहे आणि
ये सामने जर जिकत गेले विन होत गेले आणि जर फाइनल मध्ये या टूर्नामेंट मध्ये प्रवेश केला तर भूषण शेट पाडील आणि त्यांच्या साथी गडगडी साहेब यांच्याकडून टीम चिकलेला गोवा ट्रिप आहे आणि गोवा ट्रिपला साजे शोभेलाचा फटका प्रशांत पाटील ब्रांडेड षटकार। वैयक्तिक 45 धावेवर खेळतोय प्रशांत पाटील अर्धशतकापासून थोड्या अंतरावर आहे आणि जेव्हा त्याच्या 29 धावा होत्या ना वैयक्तिक तेव्हा त्याचा झेल ड्रॉप केला। या चेंडूवर जर षटकार लगावला तर 5000 रुपयाचं पारितोषिक घ्या प्रशांत पाटील साठी। यावेळी झेल होण्याची शक्यता झेल मात्र जमिनीला दाल तदनंतर कलेक्शन केलंय चेंडूची फेकी होईपर्यंत दुसरी धाव अगदी चित्याच्या चपळाईने पूर्ण केली या फलंदाजांनी आणि इथून मात्र दोन धाव पुन्हा एकदा दर्ज केला जातो टीम चिकलेच्या अकाउंट मध्ये 47 47 47 वैयक्तिक धावा खेळतोय आणि सांघिक धावा आपल्याला पाहायला मिळतील 55। यावेळी मोठा फटका इथून मात्र उपसभापती चषक 2023 पहिलं अर्धशतक लगावलं जातंय प्रशांत पाटील उर्फ पिंट्याच्या नावावर। बॅट दाखवायची प्रशांत आणि खेळ आवडला असेल तर जोरदार आले प्रशांत पाटील साठी पहिलं अर्धशतक नावी लागलंय या उपसभापती चषकातल्या प्रशांत पाटील। प्रशांत पाटील ने आपल्या खेळीचा चाप मात्र सोडली आहे ती या भातांच्या मैदानावर। यावेळचा चेंडू पंच आमच्याकडून आमच्याकडे वळालेत ऑफस्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू निश्चितच स्वर दर्शवलाय आणि या स्वरच्या सहाय्याने 62 धावा मात्र धावपलकावर लागल्या जातात। धावांचा उच्चांक मात्र गाठताना पाहायला मिळाला आणि एक मोठी पार्टनरशिप देखील आपल्याला पाहायला मिळते त्याचबरोबर पहिला अर्धशतक देखील प्रशांत पाटीलच्या माध्यमातून। यावेळचा चेंडू बॅटची एज घेऊन आला होता क्षेत्ररक्षक मध्ये थोडीशी गडबड पाहायला मिळाली सीमारेषेलगत क्षेत्ररक्षण केलं जातंय तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न देखील प्रशांतनं केला आणि इथून 3 धावा मात्र प्रशांत पाटीलनं पूर्ण केल्या आणि या 3 धावेच्या मदतीनं 65 धावा मात्र झाल्यात। 4 षटकांचा खेळ करताना 65 धावा कुठल्यात त्या प्रशांत पाटील आणि किरण पाटील या जबरदस्त जोडीने नॉट आउट पारी मात्र या दोघांनी खेळली आणि 66 धावांचं योगदान असेल ते देवीच्या पाडा संघासमोर 24 चेंडू आणि 66 धावांचं योगदान। त्याच दरम्यान आपण वळूयात आमच्या मान्यवरांकडे मान्यवरांच्या स्वागताकडे आपण वळणार आहोत। तर मधल्या ब्रेक मध्ये आपण मान्यवरांचं स्वागत पाहणार आहोत। बळीराम मुकादम साहेब तर सन्माननीय प्रल्हाद भोई साहेब आहेत पडगे युवा नेते भारतीय जनता पार्टीचे त्यांना विनंती करूया आमच्या स्वागत कक्षामध्ये येऊन आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। आदरणीय प्रल्हाद भोईर आहेत युवा कार्यकर्ते आहेत पडघ्याचे भारतीय जनता पार्टीचे त्यांचं स्वागत आपण आमच्या स्वागत कक्षामध्ये पाहाल। उपसभापती चषकामध्ये आपण सगळ्यांचं स्वागत करूया आमचे भाऊजे त्यानंतर आमचा पिंट्या हा सुद्धा आहे ग्रामपंचायत कसरकंडचे कर्मचारी आहेत त्यांचं आपण स्वागत करूया। दुसरे आदरणीय मान्यवर आपण इथे पाहू शकाल आदरणीय सुनील भोईर पडग्याहून आहेत त्यांनाही विनंती करेन की आमच्या स्वागताचा आपण स्वीकार करावा। सन्माननीय सुनीलजी भोईर यांचंही इथे आगमन झालेलं आहे त्यांचं आपण स्वागत करूया स्वागत कक्षामध्ये। आदरणीय सुनीलजी भोईर पडग्याहून आहेत त्यांचंही आपण स्वागत या स्वागत कक्षामध्ये इथे पाहत आहोत। ऑन स्क्रीन आपण मान्यवरांचं स्वागत इथे पाहाल तदनंतर आपण
बारवई ग्राम पंचायती सन्माननीय सदस्य अनंत मुंडे विनंती करूया कि आपण आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। बारवई ग्राम पंचायती सन्माननीय सदस्य अनंताजी मुंडे स्वागत इथे पाहाल। तर आपण पाहाल पुढचे मान्यवर आपल्याला इथे पाहायला मिळतील। मान्यवरांचं स्वागत इथे आपल्याला पाहायला मिळेल। सुनील जी दळवी बारवई ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य आहेत, त्यांना विनंती करेन की आमच्या स्वागत कक्षामध्ये आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। आदरणीय सुनील जी दळवी बारवई ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य। त्यानंतर सन्माननीय संजय जी गायकर सामाजिक कार्यकर्ते भिंगारवाडी यांनाही विनंती करेन की आपण या आमच्या स्वागताचा आपण स्वीकार करावा। सन्माननीय संजय जी गायकर आपल्याला विनंती करेन की आमच्या स्वागताचा आपण स्वीकार करावा। मॅच सुरू करायचे, मॅच सुरू करण्या अगोदर एक पारितोषिक आलेला आहे संजय जी गडकरी आणि भूषण शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून पारितोषिक आहे। सन्माननीय दिलीप दळवी आपल्याला विनंती करेन आमच्या स्वागताचा कक्षामध्ये येऊन आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। आणि सन्माननीय विकास ठाकूर आपणालाही विनंती करीन आपणही आमच्या स्वागत कक्षामध्ये येऊन स्वागताचा स्वीकार करावा। संजयजी गडकरी आणि भूषण शेठ पाटील एक यशस्वी उद्योजक यांच्या माध्यमातून लगातार 3 विकेट घेतले जर गोलंदाजाने तर तब्बल 5000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे चिखल्याच्या कोणत्याही गोलंदाजाला। सन्माननीय संजय ठाकूर यांचं स्वागत आपण स्वागत कक्षामध्ये पाहाल। मान्यवर आहेत, मॅच ही आहे, मॅचला लगेच सुरू करायचे अंपायर, आपण लगेच मॅच चालू करा। मान्यवरांचं स्वागत आपण स्वागत कक्षामध्ये इथे पाहाल। दुसरे संजय जी ठाकूर आपणाला विनंती करेन या आपलंही स्वागत आहे। बातनगावचे सुपुत्र आहेत, क्रिकेटचं हौशी नेतृत्व, एकेकाली क्रिकेट क्षेत्रामध्ये गाजवलेलं क्रिकेटर, लेजंड क्रिकेटर म्हणून त्याच्याकडे आपण पाहणार आहोत। चला मॅच मध्ये जाऊया आपण, कारण मॅच मात्र अतिशय ताकदवर, धावांचा उच्चांक, धावांचा मोठा बुरुज खलीफा उभा केलाय मी म्हणेन देवी चपाडा टीमच्या समोर। पाहूया दोन्ही टीमला आपण शुभेच्छा देऊया। देवी चपाडा टीम मध्ये सुद्धा ताकदवर बॅट्समन आहेत, त्यांची बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळेल, परंतु ऐकूयात बाबूशाहना पुढची मॅच। तत्पूर्वी पुढची मॅच आहे तो चलेंगे मुकाबला की तरफ, इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा यानंतरची मॅच आहे उमरेली आणि भिंगारवाडी। दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सना टॉस उडवायला यायचा, हे षटक संपायच्या अगोदर यायचं आहे, हेचे लक्षात घ्या। भिंगारवाडी टीमचा कॅप्टन इथे आहे, उमरेली टीमचा कॅप्टन आपण लगेच यायचं आहे। चलिए टीचर आवाज बढाई, हां तो चलिए बात करेंगे, पर टारगेट की बात करेंगे तो यहां से रोशन सर डबल सिक्स, देखिए 66 रनों की टारगेट है और कहीं ना कहीं कहते ना अपने सीसा का महल तो बना लिया लेकिन जमाना पत्थर का। ओके धन्यवाद डीजी। तो देखते हैं यहाँ पर एक छोटी सी गलती देखिए बात करेंगे और उसके बाद देखिए बात करेंगे। प्रशांत पाटिल बन गए गेंदबाज के लिए बहुत बड़े कातिल, अर्धशतक इनिंग्स, क्या उस इनिंग को बचा पाएंगे यहाँ पर। राकेश चिखलेकर देखिए बात करेंगे, टीम का हर पनमौला खिलाड़ी, और ये देखिए चंकी हो गए ऐलान चौके के साथ, और यही काम करना होगा। टीम जब मुरबी के मैदान के पर 60 रनों की टारगेट रखी यहां पर और केतन मात्री की तूफानी आई थी यहां पर अर्धशतक के इनिंग्स, तभी उस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीते थे। और पहली ओवर में केतन मात्री ने 4 छक्के दागे थे और राकेश पानीकर ने इरादा साफ लिया है। 1 के 47 बात करेंगे स्टैंडिंग की ताकत, इनकी ताकत होती है बल्लेबाजी और कमजोरी देखिए हमेशा गेंदबाजी साबित हुए हैं। डीजे आवाज वापस कम कर लिए, एक ही गोलिया से आपने आवाज कम कर दिया, अभी तो पूरी रात में और गोली निकलने वाली है। आज ना बाबूशाह थोड़ा सा हमारे डीजे थोड़े से मायूस है लगता है, हमारे ऊपर नाराज है। नहीं आवाज बढ़ाए थे मैंने थोड़ा, 1 के 47 तेजी से लिया भाई। अरे चलिए भाई राकेश पानीकर देखिए यहां पर हवा में खीन, दूसरा छक्का देखिए यहां पर तूफान फिर से आता हुआ यहां पर हो गई है चंग की लांस। रोशन सर टेनिस क्रिकेट का हर खिलाड़ी कहता है वो लाले या तो सब है दिल जले ठोक दीजिए। हाँ
फील्डवर सामने क्रिकेटचे रंगले हो रोनक क्रीडा मैदानावर सामने क्रिकेटचे रंगले हो उपसभापती चषक बघाया पब्लिक धन्यवाद चिखले की देखिए तारीफ करना चाहूंगा इस टीम का देखिए बहुत अच्छी खास देखिए बात करेंगे आई गो टू बी स्पोर्ट्स देवी चपड़ा टीम और उस टीम के सामने देखिए बात करेंगे जय हिंद वन चिखले टीम देखिए बात करेंगे उमरेली टॉस साठी लगेच या हा षटक संपायच्या अगोदर मी तुम्हाला पुन्हा एकदा अनाउंसमेंट करतोय कारण काल बऱ्याचशा संघांना पेनल्टी देण्यात आलेली आहे भिंगरवाडी टीमचा कॅप्टन इथे आहे उमरेली टीमचा सुद्धा कॅप्टन मला तोटा आलेला दोन्ही टीम मध्ये टॉस करायचा टॉस बॉक्स मध्ये बिलकुल रोशन सर यहां पर इस मैच में कुछ ज्यादा रन गया देखिए प्रसाद बड़े साहब देखिए जिनकी तरफ से एक बड़ी अच्छी टूर्नामेंट है चिकले महोत्तर राज पाटिल देखिए चिकले हमारे अच्छे दोस्त स्वागत है आपका भी सम्माननीय सुनील जी दळवी आपल्याला विनंती करेन आपला शुभ हस्ते टॉस करायचा टॉस प्रकाश मात्रे सब करने पे देखिए इनकी तरफ से हेक्टिक छक्के के लिए 5000 देखिए भाई बात करेंगे इनाम देखिए बड़ी तेजी सर सुजी मात्रे देखिए बात करेंगे बाइकर मैंने भाई वाकड़ी के मैदान के ऊपर देखिए बड़ा बिग शो देखिए आ रहे हैं एक टूर्नामेंट देखिए मैंने प्रसाद बड़ी सबका चिकले के जिक्र किया पिछले साल एक बड़ा बिग शो हुआ था इस साल देखिए बात करेंगे हमदर्द ट्रॉफी अशोक सालम के साथ देखिए बात करेंगे और उनके साथ साथ देखिए बात करेंगे बाबू सेठ मात्रे और विजय दादा मात्रे देखिए टीम में खेल रहे हैं अभी देखिए आ रहा है फिर से एक बार बजरंग मित्र मंडल देखिए देवी चपड़ा क्या बिग नाइट मुकाबला लगातार 6 दिन चलेगा ये चलिए भाई यहाँ पर राकेश पानीकर की तूफानी देखिए पर रोशन सर गेंदबाज तो यही कहेंगे यहाँ से भाई अल्लाह बचाए मुझे हाई तेरे वार से वापस कम कर लिया बाबू वैसे देखा जाए तो हमने जिक्र किया था बल्लेबाज ही करते हुए देवी चपड़ा टीम के बल्लेबाज भी कुछ कम नहीं है भूषण शेठ पाटिल संजय जी गडकरी साहब ने तो इनामों की राशि लगाई है 5,000 रुपए लेकिन भूषण पाटिल जो इस वक्त मुकाबला देख रहे हैं शायद नाराज हो गए गेंदबाजों के ऊपर कि किस तरह से गेंदबाजी हो रही है बल्लेबाजी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है बाबू नहीं बिल्कुल देखिए रोशन सर कहते ना तालाब में जब पानी भरता है ना पहले मछलियां चिटको खाती है बॉल तुरंत बता देता हूँ पहले 18 गेंद 42 की जरूरत है रोशन सर देखिए चिकले टीम बल्लेबाजी बहुत लाजवाब की है जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम इसलिए तो कहा जाता है तालाब में जब पानी भरता है ना पहले मछलियां चींटी को खाती है और वापस जब सूखता है ना तब चींटी मछलियों को खाती है यानी मौका दोनों टीम को मिलता है और उस मौके की बात करेंगे 10,000 देखिए प्रकाश दादा मात्रे देखिए बात करेंगे कन्नी पेन देखिए बात करेंगे दो प्रकाश मात्रे साहब हैं देखिए बात करेंगे और चलिए बहुत सारे देखिए मेहमान आए मैंने देवी पड़ा के क्या रोशन सर शायद सभी मैदान पर हैं संजय दादा से लेकर देखिए बात करें अतुल दादा से लेकर प्रकाश मात्रे पेन अविनाश से देखिए बड़ा बिग शो लेकर आ रहे हैं जिन्होंने देवी चपड़ा मैदान के लिए हमेशा तैयारी और रोशन सर सही बताएं देवी चपड़ा मैं होम मानता हूं निश्चित रूप से क्योंकि जहां से मेरी कमेंट की शुरुआत हुई थी पालीखुर देवी चपड़ा और आज देखिए हर टूर्नामेंट में मेरी अपडेट रहती है स्कोर और अपडेट देते हैं जब बाबू सा देवी चपड़ा और वहीं से देखिए अभी तक देखिए मैंने वो स्थान पकड़ के रखा हूँ भाई क्योंकि जहाँ से इतनी बड़ी पहचान मिली है भले ही हम किस मुकाम तक पहुंचे लेकिन रोशन सर वो चीज भूलना चाहिए रोशन दादा की मैंने जिक्र किया क्योंकि इस टूर्नामेंट में जुड़ने के कारण यही है क्योंकि 4-5 साल पहले देखिए जो बाबू साहब को पूरी दुनिया भी नहीं पहचानती थी अच्छी तरह से तो आज इन्होंने पहचान दिलाई भाई आज इस तरह से टूर्नामेंट है वसंत दादा के नाम लेते देखिए तस्वीर रखते हुए और बिल्कुल जिस तरह से आप कामयाब पहुंचे ना उस इंसान को भुलाना चाहिए सोचिए देखिए इन्हें यही काम करना होगा ये सिंगल लेकर जाएंगे ना क्योंकि राकेश पानीकर जिस गियर से बल्लेबाजी कर रहे हैं ना ये देखिए बात करेंगे कल के दिनों के पर बारिश बाइकर मामा देखिए पैसे की आतिशबाजी किए थे कल के दिन के पर आज भी मुझे लगता है बैग भर कर लाए हैं नहीं ना डिनर है खाने का कोई बात नहीं क्योंकि कई तरह के देखिए मैंने बड़ा दिल देखिए बैकर मामा भाई इनकी उम्र और थोड़ी मजबूत है बड़े भाई और भी स्ट्रांग बने इतना क्रिकेट से प्रेम रखने वाले रोशन सर जितने भी क्राउड पर है देखिए सभी का तहे दिल से स्वागत है बहुत बढ़िया मुकाबला देखिए राकेश पानीकर देखते हैं मैंडेटरी पावर प्ले के बाद इनका इनिंग कैसा रहेगा देखिए 17 गेंद 41 की जरूरत है देखिए बात करेंगे अपरा 17 गेंद 41 की जरूरत है गेंदबाज देखिए फिर से एक बार तैयार है और ये चलिए बड़ा अच्छा गेंद है यही तो बात कर रहा था भाई झूला जितना आगे भी जाता है ना उतना पीछे भी आता है अभी भी कहूंगा मैच कहीं ना कहीं यहाँ पर चिकले टीम के देखिए
पक्ष में दबा हुआ है कहीं ना कहीं। 16-41 आसान नहीं है। भलाई देखिए यहाँ पर राकेश वानिकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अगर और एक ऊपर को लंबा बनाएंगे तो फिर मैच कहीं ना कहीं बदलेगा। तो देखते हैं ये जंग तो चलता रहेगा भाई। दोनों टीम को देखिए तारीफ करना चाहूंगा भाई, अच्छा जंग एक देखने को मिलता हुआ। प्रशांत पाटिल की मेहनत है। ओ गेंद में घुमाओ देखिए भाई, और ज्यादा घुमी शायद चारों खाना चीत हो गया राकेश वानिकर, और शायद क्या इशारा किया कुछ स्क्वायर लेग अंपायर को। राकेश पानीकर को जो व्हाइट का इजाफा आया, लेकिन स्कोर की बात करेंगे 26 रन। देखिए अभी भी 16 गेंद 40 की जरूरत है। अगर ये चार गेंद के पर 10 रन आ जाते हैं ना, फिर 12-30 देखिए बनता है। लेकिन ये चार गेंद की दो बड़ा हिट क्या तय कर पाएंगे, और यही बात कर रहे हैं बतौर लेफ्ट आर्म गेंदबाज रोशन सकपाल सर। बात करेंगे ना शाम कुरान को 18-50 करोड़ में खरीदने का मतलब यही है कि राइट हैंड बैटर के लिए पसीना छुड़ा देते हैं लेफ्ट आर्म गेंदबाज। आज देखिए कहीं लीग भी लीजिए, बड़ी बड़ी लीग में देखिए लेफ्ट आर्म गेंदबाज की बोली बड़ी तेजी से लगती है। और राकेश पानीकर देखिए पिछली ओवर में, और मेरे हिसाब से देखिए सूचे मात्र लेफ्ट आर्म बैटर हैं, शायद उनका इस्तेमाल कर सकते हैं लेफ्ट आर्म गेंदबाज के साथ। ये भी कभी कभी माइंडसेट गेम होती है, लेकिन अभी तक काबिले तारीफ गेंदबाजी की बात करेंगे जनांदर। अरे ये चलिए बहुत बड़ी गलती, गेंदबाज तो अपने काम कर ली लेकिन किस्मत का साथ देखिए गौधवी दिवेज चवार टीम को मिलता हुआ। रोशन सर यहां से अंदाजा लगा सकते हो ये मैच और कुछ रन बदलने वाला है। अंपायर बल्ले से या बाई शायद इशारा मुझे लग रहा है बाई के रूप से, हाँ डाउटफुल थोड़ी सी क्लियर कर रहे हैं इसलिए क्योंकि पम पम मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक, एक एक रन बड़ी अहमियत रहती है हर बैटर के लिए। समीकरण बदल जाएगा देखिए यहां से बात करेंगे। 14 गेंद 36 की जरूरत है। काम तो कुछ समय के लिए मुझे लगता है गेंदबाज की गलती नहीं थी भाई, विकेट कीपर की भी गलती नहीं, उछाल बहुत प्राप्त हुआ। पटकी हुई गेंद हुक किया क्या फील्डर है यहाँ पर, फील्डर से दूर है गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर देखिए, और आता हुआ 4 रन है। जो हम बात कर रहे थे कि 12-30 या 12-32, लेकिन अभी देखिए 13-32 है, और कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने पिछली चौकी लाए और इस बार बैटर ने लाए भाई, मैच रंग लाएगा भाई, मैच बड़ा टक्कर का कड़ा मुकाबला होगा। और मैं ये कहना कहूंगा निश्चित रूप से सुदर्शन जी यहां से मुकाबला जो जीतेगा ना, अगली मैच के लिए हर टीम के लिए मुश्किल करना पड़ेगा दोनों टीम के सामने, क्योंकि इतनी धाकड़ बल्लेबाजी दोनों टीम कर रही है ना, कोई भी टीम मुकाबला जीत कर जाए तो सामना सेकंड राउंड का मुकाबला है ना बहुत घातक साबित होगा। अजून एक भिंगरवाडी गाँव से गोड आवाज आमचे मित्र प्रवीण यांचं इथं आगमन झालेलं आहे, रायगड समालोचक असोसिएशनचे सदस्य आहेत, त्यांना विनंती करेन या आपण आपलं सहर्ष स्वागत आहे। तो चलिए अभी देखिए बात करेंगे 13 गेंद 32 की जरूरत है। प्रकाश मातेश पेन देखिए ऑन फायर 10,003 छक्के के लिए। ओ क्या कमाल के गेंद भाई रोशन सर, मुझे लगता है देर रात में गेंद खेलेगी जैसे मुड़ता हुआ गया। ओ कमाल के मजा आ गया भाई इनकी गेंदबाजी देखकर, भलाई रन आया लेकिन कमाल की गेंदबाजी, एक्सलेंट गेंदबाजी भाई। क्योंकि ये मैच मैच का बहुत टर्निंग ओवर हो गया भाई, तीसरा ओवर कहते हैं ना। यहाँ पर रोशन सर को जिक्र करना चाहते हैं, क्या कहना चाहोगे रोशन सर, 12 गेंद 32 की जरूरत है जरूर। यहाँ से अगर देखा जाए उनके जो सपोर्टर्स है चिकले गांव के, वो टीवी के सामने खड़े हैं, एंड्रॉइड टीवी के सामने आंखें लगाकर बैठे हैं कि किस तरह से गेंदबाजी होती है। शायद जिक्र करना चाहूंगा भूषण जी पाटिल और रविंद्र जी गडकरी, जिन्होंने कि काफी प्यार करते हैं चिकले टीम के ऊपर, और उन्होंने काफी सारी इनामी राशि भी लगाई है चिकले टीम के लिए। लेकिन अब देखना होगा क्या होगा अंतिम
वक्त में। हाँ यहाँ पर देखिए बात करेंगे प्रेम कालेकर के लिए भी, देखिए कैच लेते हैं तो निश्चित रूप से क्रिकेट के प्रेमी देखिए बात करेंगे चिल्लेकर, देखिए बात करेंगे चिकलेकर, सूरज देखिए इनकी तरफ से 500 रुपया है और ये मोमेंट है भाई एक साझेदारी तोड़ने की। लेकिन देखते हैं सूझे यहाँ पर दूर से खेल गए और देखते हैं अंपायर वाइट का इजाफा, देखिए बल्ला देखिए ले रहे हैं, जानते हैं गेंद वाइट हो या नो हो लेकिन बल्ला तो हमें घुमाना है और अभी देखिए 12 गेंद 31 की जरूरत है। सबसे अच्छी सफल जोड़ी देखिए बात करेंगे ऐसा राइट हैंड लेफ्ट हैंड बात करेंगे हम सौरभ गांगुली सचिन रमेश तेंदुलकर के बीच में देखा करते थे, वीरेंद्र सहवाग गौतम गंभीर के बीच में देखा करते थे और उसके साथ देखिए बात करेंगे यहां से ये जोड़ी देखिए यहां से और ये चलिए भाई सूझे मात्रे के बल्ले से निकलता हुआ भाई मुझे मत दिखा उंगली ने तो मैं बन जाऊंगा सौरभ गांगुली सौरभ गांगुली सौरभ गांगुली सौरभ। सूचना आहे भिंगारवाडी टीमच्या कोणत्याही खेळाडूंनी आयोजकांशी कॉन्टॅक्ट करायचा आहे, भिंगारवाडी टीमच्या जे प्लेइंग 11 मधला खेळाडू कर्णधार त्यांनी आयोजकांशी कॉन्टॅक्ट करायचा आहे प्लीज। रोशन सर देखिए मैंने बात बताया कि सौरभ गांगुली सचिन रमेश तेंदुलकर के जोड़े कहा जाते थे राइट लेफ्ट, देखिए उन्होंने सौरभ गांगुली के जैसे छक्के डाल दिए लेकिन फिर भी देखिए चिकले टीम को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कहते ना बुरे वक्त में इंसान हमेशा लड़खड़ाते हैं लेकिन वही हिम्मत देखिए देवी जापान टीम दिखाई है। रोशन सर मुश्किल था बड़ी टारगेट कहा जा रहा था, कहते ना एक बार हिम्मत जोड़ लिए तो फिर पहाड़ जैसे टारगेट भी आपको आसान हो जाती है। अगर चिकले टीम को देखिए यहां से अगर ये मैच बचाना है तो अभी भी हिम्मत, लेकिन सबसे पहले कहते ना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक विकेट की यहां पर जरूरत है और दूसरी तरफ से देखिए यहां पर चाहेंगे देवी चपड़ा टीम है कि एकाग और बड़ा हिट आ जाए तो फिर करीब आ जाएंगे। दोनों टीम की देखिए सोच बहुत बढ़िया, देखिए बहुत बढ़िया अंपायरिंग, देखिए यहां पर थोड़ा लाइन को मिस करके गेंद जा रहा था बाउंस था उछल था लेकिन अभी भी देखिए गेंद 10 जीत के लिए 25 की जरूरत है। क्या मुकाबला खेला जा रहा है रोशन सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनल मुकाबला कसम कर, देखिए एक गेंद तेरी तो एक गेंद मेरी भाई। और ये चलिए और एक बड़ा हिट और एक देखिए बड़ा छक्का, यही बात कर रहे थे भाई ये जोड़ी है भाई लेफ्टी राइटी की और इसे कहते हैं रोशन सर जय और बीरू की जोड़ी और गेंदबाज की कमर तोड़ी। कि चिकले टीम के बल्लेबाज कितने रन बनाए गेंदबाजों के लिए क्योंकि ये रन भी लगभग चेस होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल देखिए यहां पर मुकाबले में मचा यही देखिए यही बात कर रहे थे जिंदा रहने के लिए तेरी कसम है एक मुलाकात जरूरी है सनम एक गेंद तेरी तो एक गेंद मेरी, देखिए समीकरण बदल जाएगा पर 8-19 की जरूरत है, क्या नया बैटर के लिए आसान रहेगा। मुलाकात तो बड़ी अच्छी हुई है 8-19 के समीकरण है, देखते हैं मुलाकात क्या खास रहेगी या फिर से राकेश पानीकर जो मैदान के ऊपर हैं क्या जिंदा रहने का यहां पर नमूना पेश कर पाएंगे। लेकिन जब तक वो नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे मेरे हिसाब से हर्षद के ऊपर यहां पर हमला होगा, लेकिन देखते हैं हर्षद यहां पर आखिरी दो गेंद को कैसे खेलते हैं। अगर रोशन सर ये अंतिम दो गेंद में एक भी बड़ा हिट खेल दिए ना फिर मैच कहीं ना कहीं अभी जो बात करेंगे ना यहाँ पर मैं अभी भी कहूंगा चिकले टीम के पक्ष में क्योंकि 8-19 देखिए रजनी मुकाबला कहा जाए तो आसान नहीं रहता है लेकिन एक बड़ा हिट आया तो फिर कहूंगा मैच खुल जाएगा पूरी तरह से। अभी भी देखिए मैच ओपन हो चुका है लेकिन अर्षद यहां से क्या करना चाहेंगे, क्या बड़ा हिट खेलना पसंद करेंगे या सिंगल लेना पसंद करेंगे, बात करेंगे दुविधा तो यहां पर रहेगी। अगर डॉट खेल गई तो मुश्किल और चिकले टीम तो चाहेंगे भाई कम से कम सिंगल निकले या डॉट निकले विकेट निकले लेकिन बड़ा हिट ना जाए, दोनों टीम की देखिए सोच वही रहेगी हम रन बचाएं और दूसरे सबसे चाहेंगे कि हम रन बनाएं और जीत आखिर उसी की होगी जो बेहतर मेहनत। और ये चलिए हवा में गेंद है क्या फील्डर है गेंद के नीचे
डीजे देखिए साउंड सिस्टम सामने रह गया, रोशन सर दिखाई नहीं दिया लेकिन सेलिब्रेशन देख कर रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हो। हर्षत बड़ा विकेट और एक गिरता हुआ, यही बात कर रहे थे भाई, चाहेंगे चिकले टीम विकेट गिरे या सिंगल मिले या डॉट निकले। अभी देखिए 7 गेंद 19 की जरूरत है और यहाँ से देवी जबड़ा टीम थोड़ी सी दुविधा में आती हुई। रोशन सर देखिए कैसा समीकरण बदला, 9-19 8-19 और अभी 7-19, लगातार 3 गेंदों में रन नहीं है भाई विकेट गिरा है, क्या कमाल की गेंदबाजी, तारीफ करना चाहूंगे आप। प्रीतम पाटिल इसे कहते हैं आरे प्रीतम प्यारे। पुनः एक सूचना है बिंगरवाड़ी टीम चा एक खेळाडू ज्याने आयोजकांशी कॉन्टॅक्ट करायचा आहे, कारण इथे वारंवार आयोजकांकडून आम्हाला कॉल केला जातो, बिंगारवाडी टीमचा कोणता खेळाडू प्लेइंग 11 मध्ये असलेला आयोजकांशी कॉन्टॅक्ट करायचा आहे। चलिए सबसे संकटमोचक खिलाड़ी देखिए अनुभव खिलाड़ी एक्सप्रेसिव बेस्ट टीचर रहा विजय मात्रे, देखिए ऐसी हालत थी, बात करेंगे देवी जबड़ा टीम की सिद्धि करो लेकिन नाइट में, और तभी विजय मात्रे ने आकर 2 छक्के दागे थे और मैच की हालत बदल देते, इनिंग में 3 छक्का था लेकिन उनका जो 2 छक्का आया था बैक टू बैक है और वहां से मैच बदल चुका था। क्या आज यहाँ पर 7 गेंद 19 की जरूरत है, क्या 1-1 छक्का लगाकर वापसी करेंगे या जिस तरह से चिकले टीम दबाव यहां पर डाली है क्या उस दबाव को बरकरार रख पाएगी, अगर ये गेंद अच्छा निकला तो फिर चिकले टीम मजबूत हालत। और ये चलिए हवा में गेंद है, फील्डर क्या कर रहा है, बढ़िया कैच देखिए यहां पर रहा, कहते ना इसकी की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा टूट गया, और विजय मात्रे के आउट होने के बाद सारा का सारा उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद। यहाँ पर बात करेंगे पिछला 6 गेंद राकेश पाणिकर का नॉन स्ट्राइक पर रहना और पहला हैट्रिक देखिए आज की रात में, बात करेंगे प्रति बात करेंगे प्रीतम के लिए यहाँ पर जोरदार एक ताली बजने चाहिए। रोशन सर क्या कमाल की गेंदबाजी, देखिए तीसरा ओवर सबसे मुश्किल ओवर था, 2 छक्का लगा उसके बाद देखिए वापसी करते हुए बता दिया भाई प्रीतम ने, भाई तू शेर है तो मैं बब्बर शेर। 7 अभी गेंद 19 की जरूरत है, अभी 6 गेंद 19 की जरूरत है, लेकिन कहते ही ना शाम अभी जिंदा है रात अभी जिंदा है, दिल्ली कहता है कि मैच अभी जिंदा है क्योंकि मैदान के अंदर जब तक राकेश पाणिकर जिंदा है। इसी इंग से देखिए पहली ओवर में उन्होंने 24 रन लुटा था, लेकिन देखते हैं इनका मैदान पर रहना चिकले टीम के लिए कितना खतरे के गंते, लेकिन जितनी भी तारीफ किया जाए यहां पर चिकले टीम की उतना ही कम, देखिए काबिले तारीफ है पिछली 6 गेंद में इस बैटर को नष्ट कर रखे, सोचे नहीं 2 छक्की दागी लेकिन उसके बाद जो विकेट का सिलसिला गिरा भाई, लगातार 4 गेंदों में देखिए विकेट गिरती रही और कोई रन नहीं आया। नए बैटर की बात करेंगे विकास पाटिल देखिए उतरे हैं, लेकिन साइज जो भी करना है यहाँ पर राकेश वानी कर रहा, और गेंदबाजी की बात करेंगे विक्रम पाटिल भाई, नाम तो विक्रम है क्या पर विक्रम लिख कर जाएंगे। 6 गेंद 19 कौन भूल सकता है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में जो T20 मुकाबला हुआ था ICC का फाइनल मुकाबला, और बेन स्टोक्स को यहाँ पर खून के आंसू रुलाए थे, क्या लुइस ब्राथवेट है, क्या यहाँ पर 6 गेंद 19 की जरूरत है। ओ गेंद गेंद कमाल की गेंद भाई, लाजवाब गेंद है, एक कॉम्बैक देखिए कितनी बड़ी रोशन सर होती है, जिस तरह की पिछली ओवर में कॉम्बैक दिलाए ना पर प्रीतम पाटिल देखिए, और उसके बाद देखे जवाब ही नहीं, यहाँ पर शांत किया है राकेश पाणिकर को पूरी तरह से। बिंगरवाड़ी टीम आयोजक अपनी वाट बगता है, एक खेलाड़ू अपन आयोजक लगेज कॉन्टेक्ट कराए, क्या मुकाबला घुमाता, देखिए 11 गेंद 25 की जरूरत थी, 9 गेंद 19 की जरूरत थी, और ये चलिए भाई राकेश पाणिकर ये रुकने वाले नहीं है, कहते ना समंदर को शांत देखकर ये मत सोचो उसमें जान नहीं है, पर आने वाला 4 गेंद 13 की जरूरत है। रोशन सर क्या कहना चाहोगे, 4 गेंद 13 की जरूरत, और जिस तरह से टक्कर भरा मुकाबला चलता हुआ
बाबूशाह मुझे, मेरे पास तो यहाँ पे शब्द नहीं है इस मुकाबले को देखते हुए। इतना बड़ा टारगेट जब सामने रखा था चिकले टीम ने, तो शायद ऐसे लग रहा था कि ये मुकाबला नामुमकिन सा हो जाएगा दीपिका पाडा टीम के लिए। लेकिन जैसे ही बल्लेबाजी के लिए उन्होंने अपना यहाँ पे धाकड़ बल्लेबाजी दिखाई ना, तो काबिले तारीफ। मैं तो आज यहाँ पे बाबू कहना चाहूंगा कि इन बल्लेबाजों ने तो दिल जीता है अब सभी दर्शकों का। नहीं बिल्कुल, देखिए 4 गेंद 13 की जरूरत है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जो प्रकाश पाली सब पेन देखिए 3 छक्के के लिए 10,000, मैं कहूंगा यहां से वो समय आ चुका है, 4 गेंद 13 की जरूरत है। लेकिन सिकले टीम तो यहां पर चाहेगी कम से कम विकेट ही ना मिले, लेकिन कम से कम 1-2 डॉट गेंद निकल जाए। तो देखते हैं राकेश पानीकर, देखिए दीवार बनकर खड़े हुए हैं, क्या ये दीवार अंबुजा सीमेंट से बनी है या कौन सा सीमेंट से बनी है, यह आने वाला गेंद बताएगा। देखिए 4 गेंद 13 की जरूरत है। अरे चलिए हवा में गेंद, फील्डर्स गेंद के नीचे, और ये दीवार देखिए यहां से टूटता हुआ, भाई यही बात कर रहे थे, अगर दीवार आपने तोड़ दिया है तो फिर जीत का दरवाजा भी खुलता हुआ। नहीं होता, ये बुमराह का जमाना है भाई, गुमराह करना भी जानते हैं। छक्के खाने के बाद देखिए एक अच्छी वापसी, जख्म तो बड़ा गहरा दिया था, लेकिन क्या पता था इस जख्म में देखिए और नमक छिड़ने वाले थे। अपना शरद फड़के देखिए एक अनुभव खिलाड़ी, एक जमाने के वीरेंद्र सहवाग के नाम से पहचाने जाते थे, लेकिन चलिए मैच स्पीड अप कीजिए। अभी भी देखिए क्या अनुभव लेकर मैदान पर उतरे, क्या यह अनुभव उनकी काम यहां से आएगा। ओ लाजवाब, ओ चिंगो चिंगो, कहानी में ट्विस्ट, कहते ना मुर्दे पे जाना ना, 3 गेंद 12 की जरूरत है। चलिए समीर मात्रे देखिए इनकी तरफ से, अगर मुकाबला जीते हैं तो राकेश पानीकर को 5,000 कैश प्राइज दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने चिंगारी लगा कर आए हैं, लेकिन फिनिश का रोल देखिए ये बहुत बड़ी अदा रहती है, क्या इसे कर पाएंगे शरद फड़के। ओहो वारे वा, तुन्ना तुन्ना, अरे गेंद कहां गया मुन्ना, सरकार गेंद गया एमआरडीसी तलोजा देवी चपड़ा मैसेज देने के लिए कि हम जिंदा हैं चरण। देखिए 2 गेंद 6 की जरूरत, और मैंने जिक्र किया कि वीरेंद्र सहवाग ने कहा जाता था। और बाबू आप ये तो पैसा वसूल मैच है, मैं कहूंगा अब पैरों तली की जमीन खिसक गई है चिकला टीम के खिलाड़ियों की। प्रशांत जो देखिएगा बिल्कुल खामोश खड़ा है कि अब क्या करें, 2 गेंदे अंतिम शेष है और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत, छक्का तो बेहतरीन दागा। नहीं भाई देखिए ये वसंत दादा कटोले साहब का देखिए शो है भाई, ऐसा दिखने को मिलेगा मैच। देखिए फाइनल के जैसे माहौल बन गया, देखिए मुकाबला कोई भी जीते कोई भी आ रहे हैं पर क्या दिल धड़का देने वाला मुकाबला, और यहां से देखिए यही तो करेगा दिल धक 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 आने वाला। देखिए अभी 2 गेंद जीत की बात करेंगे, 6 रनों की जरूरत है, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, एक वाइट गेंद देखिए मैच में कैसा जान डालता हुआ, क्या मुकाबला में देखिए यमराज मात्री साहब देखिए बड़ा बिग शो देखिए पालेश्वरी पाले भद्रक के मैदान के ऊपर। दादा निश्चित रूप से आपके भी नाम है, दिमाग में निश्चित रूप से नहीं आता, देखिए हमारे ये बहुत भाई पुराने आयोजक हैं सर, देखिए जिक्र उनका निश्चित रूप से रोशन सर होगा निश्चित रूप से, लेकिन क्या दिल दहला देने वाला मुकाबला देखिए बात करेंगे। पर 2 गेंद देखिए यहाँ पर 6 की जरूरत है, क्या शरद फड़के यहाँ पर छक्का दागेंगे देवी चपड़ा टीम के लिए, जो दरवाजा खुला है रख पाएंगे। यह चिकले टीम ने जो उम्मीद थाम कर बैठी थी कि हमने इतनी बड़ी टारगेट सेट किए हैं, क्या उस टारगेट को बचा पाएंगे, जब जब मुश्किल आई है यहाँ पर चिकले टीम के लिए उनके गेंदबाजों ने वापसी की है, लेकिन जब जब आफत तूफान आई है और बरस कर तूफान टूटे यहाँ पर बैटर्स, सड़क पड़ के क्या आज साबित कर देंगे फिर से एक बार कि पुरानी सड़क पर भी नई मकान हमारी है। तो देखते हैं यहाँ पर 2 गेंद 6 की जरूरत है, बड़ा कमाल का मुकाबला, क्या यहाँ पर सड़क पड़के और गेंदबाजी की बात करेंगे। और ये चलिए भाई किनारा लिया है,
जाएगा गेंद थर्ड मैन, कहते ना गली से रन चुराना और गली में जाकर दिल चुराना, क्या मुकाबला रोशन सर रहा। एक गेंदों की जरूरत है, कश्ती कभी भी डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है। ये वसंत दादा का शो है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। मैच मध्ये तर दमदार मजा आली बाबू, आता काही हो मॅच, परंतु प्रेक्षकांना मात्र या मॅचचा तणाव आता मात्र जाणवत असेल। रोशन सर कभी चिकले वाले अपने दिल टीम को दिल दे रहे हैं, तो कभी देवी जबड़ा वाले अपने टीम को दिल दे रहे हैं। एक गेंद दो की जरूरत है, कहते ना दिल दिया जिसे वो दिल्ली चली गई भाई, जब पहुंचा मिलने के लिए उसे दिल्ली तो वो इडली चली गई, सोचा जान दे दो बिजली की तार को पकड़ कर, लेकिन उस तार को पकड़ा तो बिजली चली गई। दोनों टीम की हालत ऐसी है, एक गेंद दो की जरूरत है और कंपल्सरी देखिए रन है, और ये थोड़ा दिक्कत बनेगा रोशन सकपाल सर। 2017 में देखिए वाकड़ी के मैदान के बड़े इतिहास रचे थे, चैंपियन बनने के साथ साथ सोचिए मात्र वाइकरमैन बने थे, क्या आज पहला मुकाबला और दोनों टीम की धड़कनें तेज। रोशन सर मैं तारीफ करना चाहूंगा दोनों टीम की, देखिए जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम है, लेकिन सेकेंड इनिंग में ऐसी बल्लेबाजी हो तो फिर तारीफ तो बल्लेबाजी की भी बनती है, लेकिन प्रशांत पाटिल की मेहनत अर्धशतक क्या पानी में फिर जाएगी, क्या पानी में फिर जाएगी। चलिए आखिरी गेंद हमारी भी देखिए यहां पर गले सूख रही है लगातार। रोशन सर मैच ही देखिए आयशा भाई, सोचा भी नहीं था भाई, लो मैच देखिए बात करेंगे, कौन कहता है ग्रामीण की छोटे टीम है ताकतवर मैच, किसी भी छोटा मत सोचे। चलिए आखिरी गेंद के लिए तालियां बजनी चाहिए पूरी क्राउड से, देखिए यहां पर इस तरह से तालियां बजनी चाहिए, एक सनसनी मुकाबला, एक कामयाबी टूर्नामेंट। देखिए प्रेशर 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 थोड़ा जाते हैं यहां पर, डीजे भी देखिए यहां पर हताश हो चुके हैं भाई, कौन सी गाना लगाएं, कौन सी टाइमिंग सेट किया जाए भाई, चर्चा हो रही है, लेकिन जितना समय चर्चा होगी मैच में देखिए। अपन जर पाहिलं सगळे प्रेक्षक ही आता उठून उभे आहेत, अंपायर्स दोघं एकमेकांच्या चर्चा करतात, म्हणजे मॅच मधला गरमाट आपल्याला जरूर इथे अनुभवायला मिळतो। नाही अंपायर ज्यादा समय मत लीजिए, कभी कभी हार्ट अटैक की बीमारी भी रहती है, इतना समय मत लीजिए भाई, किसे घर पे भी आ सकता है, किसे मैदान पर भी आ सकता है, इतना रोमांचक मुकाबला हो चुका है रोशन सर, शायद जितना जल्दी मैच को फिनिश कर दो तो बेहतर है, क्या कहना चाहोगे रोशन सर। हा लवकरात लवकर खरोखर हृदयाचा त्रास असेल त्यांनी हा मॅच बघणं खरोखर टाळा, कारण अतिशय हृदयाची स्पंदने वाढवणारा अगदी धगधग 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 फोर गतिमान पद्धतीने हृदयाचे ठोके वाढत असतील। एक बॉल दोन धावा, चलिए एक गेंद दो की जरूरत है, आखिरी गेंद में सिर्फ तालियां ही तालियां बजनी चाहिए, क्राउड से गुजारिश करना चाहूंगा एक सनसनी मुकाबला, मुकाबला कोई भी जीते हारे लेकिन क्रिकेट यहां से दिल जीतेगा भाई। और ये चलिए भाई एक डॉट गेंद चिकले टीम, आखिरी गेंद में देखिए रिजल्ट निकली भाई, यही तो कह रोशन सर मुकाबला कोई जीते आ रहे लेकिन क्रिकेट ही दिल जीतेगा भाई। टीम लेकिन दिल जीता देवी चपड़ा टीम, क्योंकि अच्छी फाइट की सेकंड इनिंग में, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला भाई आज के रात में देखिए, और बड़ी देखिए यहां पर संगर देखिए हार्ड लक देवी चपड़ा टीम है।